हे विगन, मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी गोडीज। आज मैं बात करने वाला हूँ पांच इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन, वो भी एंगुलर एड डेवलपर्स के लिए। जो एंगुलर एड डेवलप करते हैं, एंगुलर सेवन डेवलप करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ एक्सटेंशन विजुअल स्टूडियो कोड में उनको इंस्टॉल कर लेने से उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है कोडिंग करने में। कोडिंग करने में हेल्प क्या मिलने वाला है? सपोज आप कोडिंग कर रहे हो, बहुत लंबा सा कोड कर रहे हो, 5000 या 8000 या 10000 का कोड है, उसमें कहीं एरर हो गया, तो उस एरर को कैसे फाइंड आउट करें? कोई भी अपने कोड को प्रिटिफाई कैसे करें कि बहुत अच्छा दिखे? कोड बाय कोड, ब्रैकेट बाय ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज रहे, ये सारी चीजें पे हम बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने सिस्टम का विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लीजिए आप। मैंने अपना एक प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है, पर्सनल ब्लॉक्स नाम से हमारा प्रोजेक्ट है, और इस पे हम कुछ अपना इंस्टॉल करने वाले एक्सटेंशन जो कि इम्पोर्टेंट है एंगुलर एड के लिए। और मैं एंगुलर एड पे ही ये प्रोजेक्ट बनाया हूँ, तो एंगुलर एड के लिए वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो आप भी देखिए और फॉलो करिए। तो नंबर फर्स्ट एक्सटेंशन कौन सा है उसे जानने से पहले आप जान लीजिए कि आपको एक्सटेंशन डाउनलोड कहाँ से करना है। तो अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेंगे, तो आपको साइड बार में, लेफ्ट साइड बार में सबसे बॉटम का जो आइकन है वो एक्सटेंशन का आइकन है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे एक एरो मेंशन हो रहा है स्क्रीन पे, आप उसे देख के उस आइकन पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे क्लिक कर रहा हूँ एक सर्च का एक्सटेंशन आ गया। और आप एक चीज याद रख लीजिए, जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो इंस्टॉलेशन ऑनलाइन ही होता है इसका। तो चलो हम सर्च करते हैं। सबसे पहला एक्सटेंशन जो है उसका नाम है TS Lint। अगर आपको वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नाम को आप टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ TSLINT, एंड होल्ड रहना है, आपको इंटर वगैरह कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक ये सर्च करके देगा। ये ऑटो सर्च है, यहाँ पे सिर्फ इंटर लिखोगे वो सर्च करना स्टार्ट कर देगा। तो फर्स्ट लिंक जो अपीयर होगा आपको उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका लोगो कुछ ऐसा है, TS Lint, और लिंट के नीचे रेड कलर से अंडरलाइन है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सटेंशन है हमारा एरर फाइंड आउट करेगा। अगर आप कोई लाइन में कोड एरर कर रहे हो और उस लाइन पे ये रेड लाइन का अंडरलाइन कर देगा, तो समझ जाना कि वहां पर एरर है। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है TS Lint, तो मैं इसे बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। सो दैट्स व्हाई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद अब आपको नंबर दूसरा एक्सटेंशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है एंगुलर एड स्निपेट। तो उसे क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है एंगुलर एड ओनली लिखना, जो सबसे पहला लिंक अपीयर होगा उसको आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है इंस्टॉल, और ध्यान दीजिएगा कि इसमें इसका लोगो कुछ ऐसा है, इसी तरीके से सेवन वर्जन सेवन स्निपेट का भी ऐसा ही आइकन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जॉन पापा नाम से इनका कोई कम्युनिटी है, जो भी हो वो बनाए हैं। और ये वाला जो है तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं हम इसको भी। और इंस्टॉल करने के बाद अब इसमें क्या होगा, इसमें आपकी टाइप स्क्रिप्ट, HTML, एंगुलर मटेरियल, NGRX, RSJX, ये सारे कोड को मिनिफाई करता है, बहुत ही मॉडिफाई करके आपको एरर्स वगैरह में दूर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो हमने इसको भी इंस्टॉल कर लिया। नंबर तीन है प्रिटियर, आप उसको ब्यूटीफ्लाई नाम से भी सर्च कर सकते हो, मैं BE लिख रहा हूँ, ब्यूटीफाई नाम से है। आप यहाँ पे जाके ब्यूटीफाई कर दोगे तो इससे क्या होगा, जितना भी JS का कोड रहेगा, JavaScript, TypeScript का कोड रहेगा विजुअल कोड में, वो बहुत ही कलरफुल एंड सिस्टमेटिकली ढंग से दिखने लगेगा। बट आपको इसे अगर करना हो तो आप इसे कर सकते हो। इसके साथ साथ एक नया अभी आया है जिसका नाम है प्रिटीफायर या प्रिटियर, तो हम इसको करेंगे कोड फॉर्मेटर, क्योंकि ये अभी रिसेंट में आया है, बहुत अच्छा है, ये विजुअल स्टूडियो के प्लगइन्स के साथ बहुत ही ज़्यादा कंपेटेबल है। सो दैट्स व्हाई हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, और हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा कोड लाइन बाय लाइन एंड ब्रेकेट बाय ब्रेकेट क्लोज होगा, और बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिकली ढंग से होगा। इन केस अगर तुम्हारा कोड कोई और डेवलपर पढ़ रहा है तो बहुत ईजिली से वो समझ जाएगा। तो एंगुलर एड के डेवलपर्स के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले एक्सटेंशन को जरूर आप इंस्टॉल करिए। और इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा होल्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी हाई वेट है, लो लाइट वेट नहीं है। सो दैट्स वाई इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम टेकन है। ओके नाउ ये जब तक टाइम ये हो रहा है तब तक आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स में दिखा देता हूँ। आप यहाँ डिटेल्स पे जाके देख लीजिएगा इसको कैसे यूज करना है। यूज करने का तरीका यहाँ पे लिखा है कमांड प्रॉम्प्ट पे, प्लेटल पे जाके यहाँ पे जो भी कमांड ये बता रहा है वो आपको कमांड प्रेस कर देना है। और उसके बाद इसमें
नीचे देख लेते हैं इसका कुछ दिया है कि नहीं, एग्जाम्पल में कैसा है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल में सोच रहा हूँ दिखा दूँ। तो इसका एग्जाम्पल में कुछ भी कोई GIF नहीं दिया, वैसे तो GIF सभी लोग डाल देते हैं बट इसने नहीं डाला है, सो कोई नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको मैं यूज किया हूँ, और बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिटिफाई हो जाता है हमारा कोड, जितना भी लंबा कोड रहेगा बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और ये इंस्टॉल हो चुका है। और चौथा जो है उसका नाम है ऑटो इम्पोर्ट। ऑटो इम्पोर्ट का क्या काम है, ऑटो इम्पोर्ट जो होता है वो ये थर्ड नंबर पे ऑटो लिखेंगे, उसके बाद थर्ड नंबर पे जाएगा। एक्चुअली ये इसका काम ये होता है कि जो भी अगर कोई फाइल इम्पोर्ट करते हो, या जो भी फाइल या जो भी पाथ इम्पोर्ट करते हो, वो ऑटोमेटिकली जहाँ इम्पोर्ट होना होता है ये इम्पोर्ट करके दे देता है। तो आप इसे भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं मैनुअली इम्पोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे मैनुअली इंपोर्ट करने से मुझे पता रहता है कौन सी चीज़ मैं कहाँ इंपोर्ट कर रहा हूँ। बट अगर आप बिगिनर हैं, आपको समझ में कम आ रहा है, तो आप इसको एक्सटेंशन को अपने मतलब अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग जो है जिसका नाम है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर जो होता है वो हमारा लाइव दिखाता है, हमारा सर्वर लाइव रन करके दिखाता है इसका कोड को, ठीक है। तो ये रिट्विक दे नाम से इन्होंने डेवलप किया है लाइव सर्वर, और बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कूल एंड बहुत ही बेस्ट एक्सटेंशन है एंगुलर एड डेवलपर के लिए। तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, वैसे मैंने इंस्टॉल नहीं किया लेकिन मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं ये पांच एक्सटेंशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप डेमो में कुछ देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखा रहा है कि ये कुछ ऐसा दिखता है जब इसे रन कराते हो सर्वर पे, तो ये 127.0.0.1 पे 3500 पोर्ट पे रन करता है, और बहुत ही कूलेस्ट तरीके से वर्क करता है। तो ये सबसे बेटर एक्सटेंशन है, ये पांच एक्सटेंशन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और लाइव सर्वर सर्वर जो है ये जैसे आप कोड करते रहोगे साइड में सेक्शन में ओपन हुआ रहेगा ये ब्राउजर के, और आराम से जैसे जैसे कोड लिखोगे वैसे वैसे वहाँ चेंज होता रहेगा। आपको ये नहीं कि बार बार रन कराओ, बार बार एनजी सर्व कराओ, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये मैंने लाइव सर्वर को भी इंस्टॉल कर लिया है, इसको इंस्टॉल करने के बाद कुछ डिटेल्स इसमें एक्सटेंशन आएगा, वो डिटेल्स आप देख जा सकते हैं वहाँ रिग्वर की गिटहब की डायरेक्टरी में जाके, बट हमें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है कोई भी, तो हम इसे नहीं देख रहे हैं। तो ये पांच एक्सटेंशन एंगुलर एड डेवलपर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको इसके बारे में कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे पूछें, हम आपको इसका सोल्यूशन देंगे। और चलो अब हम इसमें क्या करते हैं, एक बार अपने विजुअल स्टूडियो कोड को रिस्टार्ट कर लेते हैं, इसके बाद रिस्टार्ट करने के बाद हम अपना कोड स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।